हेलो दोस्तों, ये देखिए रसबेरीज हमारे ये गार्डन में लगी हुई हैं। तो इनको हम एक दिन जब ना तोड़े तो फिर इस तरह ये सारा रेड हो जाती है। इसमें अब हम आए थे, ऐसी चक्कर लगाया तो फिर मैंने सोचा कि इसको उतार ही लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हो गई ये देखें। अगर मेरा कैमरामैन इसको जूम कर पाए, कैमरामैन वो जूम करो, तीन कट्ठी लगी हुई कैमरामैन इसको। हाँ ये देखो, इसको ऐसे तोड़ते हैं। ये वाला दिखाया ज़रा कैमरामैन, ये और ये सारी रेड है। कुछ और भी आपको मैं दिखाता हूँ, इससे भी बड़ी है, रेड है। और ये है तो थोड़ी छोटी, लेकिन ये भी बहुत रेड है। ये भी एक रेड है। ये देख कितनी बड़ी रेड प्रेस बैरीज। और इधर भी ये, इस तरफ कैमरा में इधर लेके आना ज़रा, इस तरफ से ये देखें, ये पूरा गुच्छा लगा हुआ है। इसका तरीका ये था कि इसको ऐसे हल्का सा खींचें तो इसका ये जो बाकी हिस्सा है उधर ही रह जाता है, और जो पका हुआ हिस्सा होता है ना वो हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये सारी इसी तरह एहतियात से तोड़नी होती हैं। इसका जो स्टेम होता है ना उसको हमने बिल्कुल भी तंग नहीं करना होता। ये देखें, ये मेरे हाथ में देखें, ये बिल्कुल जूसी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मैं एक और तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये एक दरख्त की अभी मैं आपको एक पौधे की बता रहा हूँ। इस तरह के बेशुमार पौधे जो है ना हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, तो वो हम एक दो दिन के गैप से जब इनके पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें फल मिलता है। इसके साथ ही ये सेब भी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा ग्रीन है, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे। तो छोटे छोटे भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये तो मतलब एक दो लगे ना, एक दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा जो मैंने पिछली वीडियोज़ में दिखाए हैं। तो ये एक फल है, अगर कोई देख के हमारा भाई बहन दोस्त कोई बता सके ये क्या चीज़ है। लेकिन जो भी है ये है बहुत मज़ेदार है। हमने इसको तोड़ा है, इसको खाया है इसी साइज़ में, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये फल है। लेकिन पता नहीं ये फल है क्या, लेकिन जो भी है बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है जी, थैंक यू, मेरी तरफ कैमरा करें। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट किसी और फल के साथ, किसी और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में शामिल होंगे और हाजिर होंगे। देसी दुनिया को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।